नमस्कार दोस्तों, अक्सर पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को इस बात का पता नहीं होता है कि उन्हें प्रेगनेंसी हो गई है कि नहीं हो गई है। वह अक्सर प्रेग्नेंट होने के बाद आने वाले लक्षणों को नहीं पहचान पाती हैं। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से प्रेग्नेंट होने के शुरुआती लक्षणों के विषय में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर महिला इस बात का आइडिया लगा सकती है कि वह गर्भवती हुई है कि नहीं हुई है। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चर्चा करें उससे पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। किसी एक लक्षण के आधार पर हम यह निर्णय नहीं ले सकते हैं कि महिला गर्भवती है या नहीं है। हमें काफ़ी सारे लक्षणों को गौर से देखना पड़ता है। जब काफ़ी सारे लक्षण मिलने लगते हैं तभी इसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि गर्भावस्था है। प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में कुछ लक्षण इस प्रकार से आते हैं। होता क्या है कि प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से मांसपेशियाँ मुलायम हो जाती हैं, तो जो फूड पाइप और पेट के बीच का वॉल्व होता है वह काफ़ी मुलायम हो जाता, अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाता। इस वजह से ऐसी पेट से फूड पाइप में आ जाता है और जलन की शिकायत नज़र आती है। गर्भावस्था के दौरान अक्सर महिलाओं का रक्तचाप बढ़ जाता है, इसी वजह से सरदर्द की समस्या भी नज़र आने लगती है। जैसा कि हमने अभी बताया है कि प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से मांसपेशियां मुलायम हो जाती हैं, ऐसे ही पेट की मांसपेशियां भी मुलायम हो जाती हैं, जिसकी वजह से खाना आसानी से नहीं पच पाता है और कब्ज की शिकायत महिलाओं को नज़र आने लगती है। गर्भधारण करने के बाद आप गहरी सांस लेना शुरू कर सकती है, क्योंकि भ्रूण तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए होता क्या है कि जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स है जिसे हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, यह फेफड़े की ऑक्सीजन की क्षमता को बढ़ा देता है। इससे आपको लगता है कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। यह भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। जब महिला गर्भवती होती है तो महिलाओं को बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। यह एक ऐसा लक्षण है जो कि स्पष्ट नज़र आता है, और इसी लक्षण के नज़र आने पर अक्सर महिलाएं यह बात सोचने को मजबूर हो जाती हैं कि कहीं महिला प्रेग्नेंट तो नहीं है। पीरियड का मिस होना भी प्रेगनेंसी का एक लक्षण माना जाता है। जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसके पीरियड मिस हो जाते हैं, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन कई बार और कई कारणों से भी पीरियड मिस हो सकते हैं। प्रेगनेंसी होने पर स्पॉटिंग की शिकायत अक्सर आती है, यह गर्भ ठहरने का एक लक्षण माना जाता है। अक्सर प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में महिलाओं का किसी विशेष प्रकार के भोजन के प्रति या किसी स्वाद के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, यह भी प्रेगनेंसी की तरफ इशारा करता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में हार्मोन परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से फूड क्रेविंग के साथ साथ मूड स्विंग की समस्या भी देखने में आती है। महिलाएं अक्सर चिड़चिड़ी सी हो जाती हैं, ऐसे में परिवार वालों को महिलाओं की स्थिति को समझना चाहिए, आपसी सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए। यह प्रेगनेंसी का एक लक्षण मात्र है जो कुछ समय बाद दूर हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अक्सर थकान की समस्या काफ़ी ज़्यादा रहती है, यह एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से माना जाता है। यह हार्मोन एक प्रेगनेंसी हार्मोन है जो कि गर्भ शिशु के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के स्तन बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं और उनका आकार भी बढ़ जाता है, यह भी एक लक्षण है। प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में महिलाओं के हाथ पैरों और शरीर के दूसरे अंगों में ऐंठन आना जैसा प्रतीत होता है, यह नई नई गर्भावस्था की वजह से हो सकता है। अक्सर देखा गया है कि अधिकतर महिलाओं को प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में मॉर्निंग सिकनेस की समस्या नज़र आने लगती है। यह जैसे जैसे प्रेगनेंसी हार्मोन्स महिलाओं के शरीर में बढ़ते जाते हैं, मॉर्निंग सिकनेस की समस्या भी बढ़ती जाती है, और शुरू के 3 महीने यह काफ़ी ज़्यादा देखने में आती है। यह भी एक बड़ी समस्या, अक्सर 80% से ज़्यादा महिलाओं को यह समस्या देखने में आती है। उन्हें हमेशा ऐसा महसूस होता है कि उनका भोजन अभी जो खाया है अब शरीर से बाहर आ जाएगा। उन्हें काफ़ी सारी गंधों से परेशानी भी अनुभव होती है, बार बार उल्टी आएगी ऐसा अनुभव होता है, अर्थात मतली लगना, यह भी एक लक्षण है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या अपनी कोई बात रखना चाहते हैं या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।